education.com में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बाइंडिंग रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। एडीसी मशीन में जो भी बाइंडिंग का क्वेश्चन है यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और इसको डिस्कस करने से पहले एक नोटिस है, ये है लाइव टेस्ट सीरीज के बारे में। ठीक है, अगर आप लाइव टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। ठीक है, इसके बारे में डिटेल जानकारी नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक गिवेन है, वहां पर आपको सारा कुछ मिल जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो बस इस नंबर पर रेडी लिख करके व्हाट्सएप कर दें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर किसी लॉन्ग टाइप का मतलब कोई सवाल व्हाट्सएप पर ना करें, क्योंकि हर एक का जवाब दे पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वहाँ पर हम उसे देख लेंगे। और जब फ्री होगा, जनरली ऑफलाइन क्लासेस होते हैं मंडे टू फ्राइडे, तो सैटरडे संडे मैं थोड़ा फ्री होता हूँ, उस दिन हर एक क्वेश्चन का मैं थोड़ा अच्छा से जवाब डिटेल से रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मतलब करना क्या है, तो अभी आपको कुछ करना नहीं है। मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आप उसे फॉलो करें। यहाँ पर ये सारे वीडियो जो मैं अभी अपलोड करता हूँ BSPHCL प्लेलिस्ट में अगर जाएंगे तो BSPHCL नाम का एक फोल्डर बना हुआ है, स्कोर बूस्टर। ठीक है, BSPHCL स्कोर बूस्टर नाम का एक फोल्डर बना हुआ है, वहां पर ये सारा क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाता है। और नोटिफिकेशन पाने के लिए आप कर सकते हैं सब्सक्राइब क्लिक कर लें। सब्सक्राइब क्लिक करने के बाद वहां पर बेल बटन रहता है, बेल बटन पर अगर आप क्लिक कर लेते हैं, वो बेल बटन सब्सक्राइब क्लिक करने के बाद ही आएगा। सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल बटन आएगा, उस पर आप क्लिक कर लें। इसके बाद जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और रहा बात टेस्ट का, तो टेस्ट जब हम लोग शुरू करेंगे, मतलब अभी तो ये सारा क्वेश्चन का डिस्कशन चल रहा है, बाइंडिंग के बाद फिर हम लोग लेकर के आएंगे जो आर्मेचर रिएक्शन या फिर कम्यूटेशन है, इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो सारा आएगा। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स, जो डीसी मोटर और जनरेटर करेक्टरिस्टिक्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद स्पीड कंट्रोल वगैरह, तो ये सारा जब क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद इन सारे क्वेश्चन में से 70% हम इसमें से उठाएंगे और बाकी को कुछ 30% उठाएंगे अदर बुक से। तो सारा कंबाइंड करके वहां पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। वहां पर करीब टोटल 45 क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आपको देना होगा, और उसमें से जो मतलब पहले आंसर देता है, 3 स्टूडेंट का नाम मैं हर क्वेश्चन के बाद बोलूंगा, और बाकी 10 स्टूडेंट का जो सबसे अच्छा करता है इस टेस्ट में उसका मैं सारा का नाम लिस्ट में देकर के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स का। इसके अलावा मैं एक ग्रुप भी बनाऊंगा, ग्रुप अभी फॉर्मेशन उसका मैंने नहीं किया है। जब देखेंगे कि मतलब कोई स्टूडेंट लगातार कंटिन्यूअसली अच्छा कर रहा है तो कम से कम 30 स्टूडेंट का, इनिशियली 30 स्टूडेंट का ग्रुप बनेगा। कोई भी क्वेश्चन मतलब किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है तो फिर सामने आकर के व्हाट्सएप के थ्रू हमसे पूछ सकता है, या फिर आपस में वो लोग डिस्कशन कर सकते हैं। 30 अगर अच्छे लोगों का ग्रुप बन जाता है तो वहां पर लोग आसानी से एक दूसरे से डिस्कशन कर सकते हैं, उनको इससे काफी बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा ये जो 30 का ग्रुप है इसका संख्या भी धीरे धीरे करके हम बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हमको थोड़ा टाइम मिलेगा हम संख्या और बढ़ाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको बस इसको फॉलो करते रहना है, और एक सप्ताह पहले, टेस्ट से एक सप्ताह पहले हम नोटिस दे देंगे, कंटिन्यू नोटिस देंगे। एक सप्ताह पहले करीब 3-4-5 वीडियो जो भी डालेंगे एक सप्ताह में, लास्ट में हर एक में नोटिस देंगे कि इतना तारीख को टेस्ट शुरू होने जा रहा है। तो इसमें आपको किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका टेस्ट बिल्कुल नहीं छूटेगा। अब आते हैं डिस्कशन पर। हाँ, और अगर किसी टाइप का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख ले, वहां पर मैं उसे देख लूंगा, और देखने के बाद एक दिन सैटरडे या फिर संडे जिस दिन समय मिलेगा मैं हर एक का क्वेश्चन का सही से रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और अब आते हैं क्वेश्चन डिस्कशन पर। तो बाइंडिंग रिलेटेड क्वेश्चन है, इससे पहले हम लोग चलते हैं, जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था उसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन था, मल्टीप्लेक्स लैप वाइंडिंग इज यूजफुल। मल्टीप्लेक्स लैप वाइंडिंग किस लिए यूज होता है? तो यहां पर लैप वाइंडिंग है। ठीक है, लैप वाइंडिंग के बारे में अगर हम बोले तो A=P होता है, मतलब कि नंबर ऑफ पोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। अब ये सारा कुछ अगर आप डिटेल से समझना चाहते हैं कि नंबर ऑफ पोल इक्वल टू पैरेलल पाथ कैसे आ रहा है, इसके अलावा यहाँ पर यह है कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, जितना ज्यादा पैरेलल पाथ है उतना ज्यादा करंट इसमें इंड्यूस होगा। ठीक है, अगर पैरेलल पाथ ज्यादा रहा यहाँ पर तो पोल के बराबर आएगा ही आएगा, जितना ज्यादा पैरेलल पाथ होगा उतना ज्यादा करंट होगा, और इसको हाई करंट के लिए हम लोग फिर यूज कर लेते हैं। ऐसा मतलब जनरेटर बन जाता है जिसका यूज हम लोग हाई करंट के लिए फिर करते हैं, जैसे कि वेल्डिंग में फिर हम लोग लैप वाइंडिंग जो बना होता है जनरेटर उसका यूटिलाइज करते हैं। ये सारा कुछ अगर डिटेल से समझना है तो फिर इसके लिए मैंने सेम बिल्कुल इसी चीज़ के लिए, क्योंकि वाइंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हमको बताना था, इससे पहले हमने वीडियो डाला था जो कि आपको इलेक्ट्रिकल मशीन फोल्डर में मिल जाएगा, वो वाइंडिंग को लेकर के था, लैप वाइंडिंग कैसे डिजाइन करते हैं इस चीज़ को लेकर के हमने वीडियो बनाया था, करीब 36 मिनट का वीडियो है। अगर आप बहुत डिटेल से इसको समझना चाहते हैं तो वहां पर जाकर के एक बार उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, एक्चुअली इस टाइप का वीडियो कहीं पर था नहीं, यूट्यूब पर मैंने सर्च किया मिला नहीं, इसके बाद मैंने उस वीडियो को बनाया है जो मतलब क्वालिटी बिल्कुल ठीक ठाक है और आपको समझ में आएगा। तो बहुत डिटेल से जानने के लिए लैप वाइंडिंग के बारे में
और कैसे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होता है। इसके अलावा अगर आप वीडियो को देखते हैं तो सारा क्वेश्चन आसानी से इससे रिलेटेड अगर थोड़ा बहुत छोटा मोटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और मेरा जहाँ तक मानना है जो अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो सारा क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लेंगे उस वीडियो के देखने के बाद। तो अगर आपके पास टाइम निकल बचता है तो आप टाइम निकाल करके इलेक्ट्रिकल मशीन जो फोल्डर है प्लेलिस्ट में वहां पर जाइए और जाकर के उस वीडियो को देखिए। तो यहां पर ये जो होता है हाई करंट के लिए यूज होता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ज्यादा होने से। अब यहां पर मल्टीप्लेक्स लैप बाइंडिंग की बात कर रहा है, मतलब कि नंबर ऑफ कॉइल पैरेलल पाथ के नंबर ऑफ पोल के कंपेयर में बहुत ज्यादा होगा। जैसे कि सिंपलेक्स लैप बाइंडिंग एक होता है जिसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल होता है नंबर ऑफ पोल के, ठीक है। अगर सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग की बात करें तो नंबर ऑफ पोल इक्वल टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होता है, लेकिन वहां पर डुप्लेक्स अगर आ जाए तो यहां पर नंबर ऑफ जो पैरेलल पाथ है वो डबल हो जाता है। मल्टीप्लेक्स में अगर बात करें तो यहां पर बहुत सारा पैरेलल पाथ हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मल्टीप्लेक्स लैप बाइंडिंग का ही बात कर रहा है, मतलब कि यहां पर पैरेलल पाथ काफी सारा होगा और जितना सारा पैरेलल पाथ होगा हर एक में कुछ ना कुछ करंट आएगा, ठीक है, और सारा करंट ऐड होकर के फिर हमको आउटपुट में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लेक्स लैप बाइंडिंग हुआ वो सिर्फ इसका जो यूज होगा हाई करंट के लिए यूज होगा। यहाँ पर होता है इंक्रीज नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इसे इंक्रीज करेगा और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इंक्रीज करने से लिए हाई करंट हम लोग को मिलेगा। लैप बाइंडिंग जनरली यूज ही इसलिए होता है ताकि हम हाई करंट गेन कर सके। वहीं अगर हम वेव बाइंडिंग की बात करें तो वहां पर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ सिर्फ दो होता है और वहां पर ये हाई वोल्टेज के लिए यूज होता है ना कि हाई करंट के लिए। वेव बाइंडिंग हाई वोल्टेज, ठीक है, ये हाई वोल्टेज के लिए यूज होगा और लैप वाइंडिंग हाई करंट। याद करने का तरीका है वेव, ठीक है, हाई वोल्टेज भी और भी दोनों में है, इससे इसको आसानी से हम लोग याद रख सकते हैं। और अगर आप कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं तो फिर एक कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही आपको याद रहेगा वो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर असर्शन रीजन टाइप का है, तो ये सारा ए बी सी डी ऑप्शन आप देख लीजिएगा। यहाँ पर जो ऊपर में दिया है, इन ए सर्टेन केस ए डीसी शंट जनरेटर फेल्स टू बिल्ड अप द वोल्टेज। किसी किसी केस में क्या होता है, डीसी शंट जनरेटर जो होता है वोल्टेज बिल्डअप उसके अंदर नहीं हो पाता है, और यहाँ पर रीजन दिया हुआ है। तो सबसे पहले वोल्टेज बिल्डअप हो इसका कंडीशन क्या है ये हम देख लेते हैं। तो इसका चार कंडीशन है, ठीक है। सबसे पहले रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म का होना 100% जरूरी है, देयर मस्ट बी सम रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म इन फील्ड सिस्टम। जो हमारा फील्ड सिस्टम होता है इसमें रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म होना 100% जरूरी है। सेकेंड कंडीशन है रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म प्रॉपर डायरेक्शन में होना चाहिए, सिर्फ रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म होने से नहीं होगा, इसका प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए, रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म प्रॉपर डायरेक्शन में होना चाहिए। सेकेंड, थर्ड जो कंडीशन है वो है अगर हम बात करें सीरीज जनरेटर के लिए, ठीक है, ये अगर हम सीरीज जनरेटर के लिए बात करें तो इसका जो लोड है वो हमेशा क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए। लोड का रेजिस्टेंस RL हमेशा कम होना चाहिए क्रिटिकल रेजिस्टेंस RC से, ठीक है। उसके बाद ये तीसरा कंडीशन हो गया। उसके बाद जो चौथा कंडीशन है वो है शंट जनरेटर के लिए, किसी भी शंट जनरेटर में ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग है इसका रेजिस्टेंस RSH शंट ये हमेशा लेस देन होना चाहिए क्रिटिकल रेजिस्टेंस से, ठीक है। और इसके साथ साथ इसका एक चीज और याद रख सकते हैं, लोड रेजिस्टेंस, इसका जो शंट का जो लोड रेजिस्टेंस है RL वो बड़ा होना चाहिए RC से, क्रिटिकल रेजिस्टेंस से, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, याद करना बहुत सिंपल है, ठीक है। इस ट्रिक को रखकर ध्यान में रख करके हम लोग को अगर पता नहीं है कि RC क्या है RL क्या है, RL यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस है, अगर क्रिटिकल रेजिस्टेंस के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है तो भी हम लोग यहाँ पर पता कर सकते हैं। अगर यहाँ पर RL का वैल्यू काफ़ी हाई रखेंगे, ठीक है, ये मेरा जनरेटर है, ठीक है, अब RL का वैल्यू काफ़ी हाई रखेंगे इसका मतलब कि इसको हम लोग ओपन कर दिए, ठीक है, ये जनरेटर है और ये यहाँ पर ये जनरेटर हो गया, ये यहाँ पर इसका वाइंडिंग है, ठीक है। अब हाई रेजिस्टेंस मतलब लगभग ओपन, अब जब ओपन कर दिए और इसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं तो इसमें करंट फ्लो करेगा ही नहीं, जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो इसमें जो रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म है पहले से जितना था उतना ही रहेगा, ये बढ़ेगा ही नहीं। अब जब ये जो मैग्नेटिज्म जब नहीं बढ़ेगा, फील्ड मतलब कि यहाँ पर जब जनरेट ही नहीं हो रहा है, करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो फील्ड जनरेट नहीं होगा, फील्ड बढ़ेगा ही नहीं, और जब फील्ड नहीं बढ़ेगा तो फिर वोल्टेज बिल्डअप होने का यहाँ पर कोई सवाल ही जनरेट नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो लोड रेजिस्टेंस है हमेशा कम होना चाहिए, कम से कम रहेगा तो
तो ज़्यादा बेहतर होगा, आरसी से ए कम होना चाहिए। सेम कंडीशन आता है यहाँ पर शंट में, अगर इस रेजिस्टेंस को, फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को काफ़ी ज़्यादा हाई कर देंगे तो इसे करंट फ्लो ही नहीं करेगा, और जब करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो फिर वोल्टेज बिल्डअप होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, तो इस चीज़ को, ये जो मतलब यहाँ पर चार कंडीशंस है, इसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर तो देख लीजिए, सबसे पहले इन सर्टेन केस ए डीसी शंट जनरेटर फेल्स टू बिल्डअप, वोल्टेज बिल्कुल सही है, वोल्टेज बिल्डअप नहीं करेगा अगर यहाँ पर आर एस एच ग्रेटर देन आर सी हुआ तो, या फिर यहाँ पर आर एल लेस देन आर सी हुआ तो। ये तो जस्ट इसका अपोजिट है, याद रखना काफी सिंपल है, अगर एक दो ये दोनों याद रहता है तो। उसके बाद जो रीजन दिया है, शंट फील्ड रेजिस्टेंस ऑफ ए डीसी शंट जनरेटर, शंट फील्ड रेजिस्टेंस मतलब कि आर एस एच शुड बी मोर देन इट्स क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस, बोल रहे कि आर एस एच ज्यादा होना चाहिए, तो ये तो फिर हमारा गलत हो गया रीजन, रीजन गलत है, असर्शन सही है, मतलब कि ए इज करेक्ट, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, हमारा जो ऑप्शन होगा सी होगा। ठीक है, उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, या फिर नेक्स्ट आने वाला लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और इसको सोल्व करेंगे जब हम लोग कम्यूटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, तो ऐसे आगे आने वाला एक दो और वीडियो में हम लोग वाइंडिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चंस देखेंगे, और जब हम लोग कम्यूटेशन वहां पर एक साथ देखेंगे, कम्यूटेशन रिलेटेड क्वेश्चंस, इसके अलावा आर्मेचर रिएक्शन रिलेटेड क्वेश्चन, इसके अलावा इंटरपोल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सारा हम लोग एक साथ देखेंगे, वहां पर हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है पहला ऑप्शन, बाय डिक्रीजिंग द ब्रश कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस, ब्रश जो लगा रहता है कम्यूटेटर के साथ, बोल रहा है कि अगर उसका रेजिस्टेंस हम लोग कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस कम कर देंगे तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा। ठीक है, और ये इतना बढ़ेगा कि मतलब रिएक्टेंस वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और जब रिएक्टेंस वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगा ए वोल्टेज, तो कम्यूटेशन इंप्रूव हो जाएगा। बताना है कि ये सही स्टेटमेंट है या फिर गलत है। सेकेंड है यहाँ पर, बाय शिफ्टिंग द ब्रश, हालांकि ये हमने डिस्कस कर रखा है, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, बाय शिफ्टिंग द ब्रश फॉरवर्ड इन ए जनरेटर और बैकवर्ड इन ए मोटर, मतलब कि ब्रश का जो शिफ्टिंग होता है जनरेटर में फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है और मोटर में बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है, प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस किए थे। थर्ड, एक कम्यूटेशन को इम्प्रूव करने के लिए बोल रहा है कैसा होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है, बाय प्रोवाइडिंग इंटरपोल, मतलब कम्यूटेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग इंटरपोल यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, बाय प्रोवाइडिंग कंपनसेटिंग वाइंडिंग, इंप्रूव करने के लिए कम्यूटेशन को हम लोग कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज करते हैं। तो यहाँ पर चार है, इसमें आपको देखना है, बताना है कौन सही है कौन गलत है, नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे। अब आते हैं हम अपना वाइंडिंग रिलेटेड क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन है, रिजल्टेंट पिच इन लैप वाइंडिंग इज, यहाँ पर लैप वाइंडिंग की बात कर रहा है और इसमें रिजल्टेंट पिच पूछ रहा है क्या होगा। यहाँ पर वाईवी बैकवर्ड पिच है, ए फॉरवर्ड पिच है, बोल रहा है कि बैकवर्ड पिच और फॉरवर्ड पिच पर डिपेंड करेगा, और सी बोल रहा है डिपेंड ऑन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों पर डिपेंड करेगा, और थर्ड फोर्थ ऑप्शन है डी ऑलवेज इक्वल टू टू। तो पहले हम लोग देख लेते हैं बैक पिच और फ्रंट पिच क्या है। ए हमारा एक सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग है, ठीक है, यहाँ पर ए मेरा फर्स्ट कॉइल है, फर्स्ट कॉइल का ए बैक साइड है, ठीक है, उसके बाद ए सेकेंड कॉइल यहाँ से स्टार्ट हुआ है और सेकेंड कॉइल का बैक साइड यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है, मतलब फर्स्ट कॉइल को ही, फर्स्ट कॉइल के हम लोग फॉरवर्ड कनेक्शन और रिवर्स बैकवर्ड कनेक्शन को ले रहे हैं, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, मतलब इसके बीच में जितना नंबर ऑफ स्लॉट होगा, इसको हम लोग बोलते हैं बैक पिच वाई बी। ठीक है, और इसके बाद जो सेकेंड कॉइल है, सेकेंड कॉइल का फर्स्ट कंडक्टर और ए जो बैक साइड में है, मतलब कि फर्स्ट कॉइल का सेकेंड कंडक्टर, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं वाई एफ, ये फॉरवर्ड पिच होता है, और ए इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये होता है रिजल्टेंट पिच वाई आर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वाई आर की बात करें तो ए होता है वाई बी माइनस वाई एफ, ठीक है, इक्वल टू प्लस माइनस टू एम, एम मतलब कि सिंप्लेक्स के लिए एम का वैल्यू वन यूज करेंगे, डप्लेक्स के लिए एम का वैल्यू टू यूज करेंगे, और प्लस माइनस इसलिए क्योंकि लैप वाइंडिंग भी दो टाइप का होता है। ये सारा मैंने जो प्रीवियस लेक्चर अपलोड किया था, मतलब कि इलेक्ट्रिकल मशीन में जो है वाइंडिंग रिलेटेड जो थ्योरी है वहाँ पर हमने सारा कुछ डिस्कस किया है। तो यहाँ पर अगर प्लस वन लेते हैं तो सिंप्लेक्स, टू लेते हैं डप्लेक्स, उसके बाद प्लस होता है प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग के लिए। लैप वाइंडिंग दो टाइप का होता है, एक प्रोग्रेसिव और दूसरा रिट्रोग्रेसिव। तो प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग में ए जो वैल्यू आता है
टू के बराबर प्लस टू आता है, और रिट्रोग्रेसिव में यहाँ पर माइनस टू आता है। तो यहाँ पर रिजल्टेंट पिच की बात करें तो वाई बी माइनस वाई एफ इज इक्वल टू टू हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इसका काफी यूज भी होता है जब हम लोग बाइंडिंग करते हैं। तो ए हमेशा दो फिक्स होता है सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग के लिए। तो हमारा जो ऑप्शन होगा डी सही होगा और आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई बी फॉर ए लैप वाइंडिंग विथ चार पोल 12 स्लॉट विथ टू क्वाइल साइड पर स्लॉट, एक स्लॉट में दो क्वाइल साइड है। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ 12 स्लॉट है और एक स्लॉट में टू क्वाइल साइड। क्वाइल साइड किसको बोलेंगे, इस स्पेशल एक टर्म को, एक कंडक्टर को क्वाइल साइड बोलते हैं। पूरा को ओवरऑल अगर मिला ले तो क्वाइल बोलते हैं, एक साइड को हम लोग क्वाइल साइड बोलते हैं या फिर इसको कंडक्टर बोलते हैं, एक कंडक्टर बोलते हैं। तो यहां पर दो तो क्वाइल साइड है एक स्लॉट में, मतलब ऐसा ऐसा दो कंडक्टर है एक स्लॉट में और टोटल नंबर ऑफ स्लॉट 12 है। तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड इज इक्वल टू 24। अब यहां पर हम लोग को एक रिजल्ट और ध्यान रखना है, एवरेज पिच। एवरेज पिच क्या होता है, ए होता है वाई एफ मतलब कि फॉरवर्ड पिच प्लस बैक पिच वाई बी, इन दोनों के सम बाय टू, ए होता है एवरेज पिच। और ए जो होता है किसी भी लैप वाइंडिंग के लिए, वेव के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ लैप वाइंडिंग के लिए, ये होता है इक्वल टू जेड बाई पी। ठीक है, तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं वाई एफ प्लस वाई बी इक्वल टू जेड, टोटल नंबर 24 आया जेड का, और बाई पी पोल यहां पर चार होगी बेने, तो ये हो जाएगा 6। तो आ रहा है वाई एफ यहां पर डिवाइडेड बाई टू, वाई एफ प्लस वाई बी बाई टू था, तो यहां से आ रहा है वाई एफ प्लस वाई बी इज इक्वल टू 12। ये हमारा इक्वेशन वन हुआ। और यहां पर हमने एक इक्वेशन लिखा था वाई बी माइनस वाई एफ हमेशा क्या होता है, इक्वल टू टू के बराबर होता है। वाई बी माइनस वाई एफ इज इक्वल टू टू, ये हो गया इक्वेशन नंबर दो। इन दोनों को सोल्व कर लेंगे तो वाई एफ कैंसिल होगा और यहां से टू वाई बी आएगा 14 के बराबर, और जो वाई बी मिलेगा वो मिल जाएगा 14 बाई टू मतलब कि 7। तो यहां पर बैक पिच जो होगा वाई बी वो 7 होगा, तो आंसर हो जाएगा सी, दो का सी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, व्हाट इज द वाई एफ फॉरवर्ड पिच ऑफ ए लैप वाइंडिंग विथ फोर पोल 12 स्लॉट आर्मेचर विथ टू क्वाइल साइड पर स्लॉट, मतलब कि सेम क्वेश्चन है। ऊपर में हम लोग से वाई बी पूछा था, बैकवर्ड पिच पूछा था, यहां पर फॉरवर्ड पिच पूछ रहा है। ठीक है, वाई एफ का वैल्यू पूछ रहा है, तो वाई बी ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं और हम लोग जानते हैं क्या, वाई बी माइनस वाई एफ इज इक्वल टू टू। तो यहां से वाई बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, टू प्लस वाई एफ मतलब कि टू प्लस, सॉरी यहां पर वाई एफ का वैल्यू आ जाएगा वाई बी माइनस टू। ठीक है, ये वाई बी माइनस टू करेंगे तब हम लोग को वाई एफ मिलेगा, और वाई बी हम लोग निकाल चुके हैं 7, तो 7 माइनस टू कितना आएगा 5। तो यहां से जो फॉरवर्ड पिच आएगा वो आ जाएगा 5, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तीन का बी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कंडीशन फॉर रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। यहां पर आ गया रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग, दो टाइप होता है, एक प्रोग्रेसिव और दूसरा रेट्रोग्रेसिव का। तो रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग किस टाइप से होता है, यहां पर सबसे पहले तो एक कॉइल बना लेंगे, फर्स्ट कॉइल ए फर्स्ट कॉइल हो गया। अब प्रोग्रेसिव में क्या होता है, कॉइल आगे की ओर मूव करता है, जैसे कि यहां पर फर्स्ट कॉइल बनाने के बाद जो सेकेंड कॉइल हम लोग बनाए थे यहां पर आगे बनाए थे, यहां से स्टार्ट किए थे। ठीक है, फर्स्ट कॉइल का जब सेकेंड कंडक्टर इंड हुआ था तो यहां से हम लोग सेकेंड स्टार्ट कर दिए थे और आगे की ओर मूव किया था, पर यहां पर रेट्रोग्रेसिव में पीछे की ओर मूव करेगा। यहां से इसको हम लोग आगे बढ़ा लेंगे, तो थोड़ा ऐसे बढ़ा लेते हैं, यहां से ऐसे बढ़ा लेंगे और यहां से एक वायर जाएगा इस टाइप से, दूसरा इधर जाएगा, ये आया मेरा दूसरा क्वाइल। ठीक है, पीछे की ओर। ठीक है, ये मेरा कम्यूटेटर सेगमेंट होगा, ये हो गया कम्यूटेटर सेगमेंट। तो यहां पर ये जो है हमारा, तो यहां पर जो बैक पिच होगा, यहां से फर्स्ट क्वाइल का बैक पिच के लिए डिफिनेशन सेम रखेंगे, यहां पर फर्स्ट क्वाइल का फर्स्ट कंडक्टर यहां से लेकर के जो इसका बैक साइड वाला कंडक्टर है वहां तक, ये हो जाएगा वाई बी। ठीक है, और यहां पर जो फॉरवर्ड होगा पिच एफ वाई एफ जो होगा वो होता है सेकेंड क्वाइल का फ्रंट कंडक्टर, मतलब आगे वाला कंडक्टर। ठीक है, ये पीछे वाला बैक साइड वाला कंडक्टर है, यहां से लेकर के
जो फर्स्ट मेरा कॉइल था उसका सेकेंड कंडक्टर तक, यहाँ तक हो जाएगा वाई एफ, वाई एफ, और इन दोनों के बीच का मतलब कि इसका सेकेंड कॉइल का जो फ्रंट साइड वाला हुआ कंडक्टर ओ और फर्स्ट कॉइल का फ्रंट साइड वाला कंडक्टर, ये होता है वाई आर। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं हमारा जो वाई एफ है वो बड़ा है वाई बी से। ठीक है, रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग में हमारा जो वाई एफ होता है वो ग्रेटर देन हो जाता है वाई बी से, तो यहां पर जो ऑप्शन होगा वाई एफ ग्रेटर देन वाई बी, ऑप्शन बी होगा। वहीं अगर हम बात करें थे प्रोग्रेसिव में तो हमारा वाई बी ज्यादा बड़ा था, वहां पर वाई बी माइनस वाई एफ टू था, वाई बी वहां पर ज्यादा बड़ा था, फिर इस केस में रेट्रोग्रेसिव के लिए वाई बी माइनस वाई एफ क्या होगा माइनस टू, क्योंकि यहां पर वाई एफ ज्यादा बड़ा है। तो ये दोनों में डिफरेंस है प्रोग्रेसिव और रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वलाइजर रिंग आर नीडेड इन लैप वाइंडिंग, तो ये बिल्कुल सही है, इक्वलाइजर रिंग का यूज सिर्फ और सिर्फ लैप वाइंडिंग में होता है, इसका यूज फ्रॉग लेग वाइंडिंग या फिर वेव वाइंडिंग में नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका यूज क्यों करते हैं, इक्वलाइजर रिंग का यूज होता है, एक्चुअली होता क्या है, जब एक ही पोल के नीचे जैसे यहाँ पर नॉर्थ है साउथ है फिर से नॉर्थ और साउथ, तो इसमें क्या होता है कि लैप वाइंडिंग में बहुत सारा पैरेलल पाथ होता है। ठीक है, और सारा जो पैरेलल पाथ जो सेम पोलैरिटी रखता है वो एक दूसरे से कंबाइंड होता है। ठीक है, अब जब ब्रश जहां पर हम लोग यूज करते हैं कम्यूटेटर के पास वहां पर एक साथ इक्वल करंट फ्लो करना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली इसका अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हर पोल के नीचे जो स्लॉट लगा होता है या फिर आर्मेचर कॉइल जो रखा होता है इक्वल फ्लक्स नहीं मिल पाता है कंस्ट्रक्शन की वजह से, इसका प्रॉपर कंस्ट्रक्शन एक जैसा बिल्कुल हम लोग कर नहीं सकते, तो एक कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम की वजह से सब कंडक्टर को हर एक कंडक्टर को इक्वली वोल्टेज नहीं मिल पाता है। ठीक है, अब इक्वली वोल्टेज नहीं मिलने की वजह से यहाँ पर जो ब्रश है ब्रश के अक्रॉस करंट सर्कुलेट होना शुरू कर देता है और जिसके वजह से कम्यूटेशन में प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम के दूर करने के लिए जो हमारा कॉइल का जो दूसरा इंड होता है एक इंड में तो यहाँ पर कम्यूटेटर लगा हुआ रहेगा। ठीक है, और जो दूसरा इंड होता है यहाँ पर हम लोग इक्वलाइजर रिंग लगाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वलाइजर रिंग जो लगा सकते हैं वो 20 होता है, 20 से ज्यादा इक्वलाइजर रिंग हम लोग नहीं लगा सकते हैं, और मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं ये होता है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, जैसे मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर 24 है तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेयर ऑफ पोल। ठीक है, अगर यहाँ पर नॉर्थ साउथ चार है तो यहाँ पर टू पेयर होगा तो यहाँ पर टू यूज करेंगे, तो यहाँ पर जो होगा मैक्सिमम 12 लगा सकते हैं, लेकिन 20 से ज़्यादा भी इसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी कंडीशन में अगर मान लेते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ स्लॉट 60 हो गया, ठीक है, अब 60 बाय 2 तो ये तो आ रहा है 30 इक्वलाइजरिंग, अगर 60 नंबर ऑफ कंडक्टर है तो 30 इक्वलाइजरिंग चाहिए, पर मैक्सिमम हम लोग यूज करते हैं 20 ही। ठीक है, इसके अलावे यहाँ पर 12 आया है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 12 ही हम लोग यूज करें इक्वलाइजरिंग, अगर 6 इक्वलाइजरिंग यूज करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं 50% इक्वलराइज सर्किट, और जब 12 इक्वलाइजरिंग यूज करेंगे तो इसको बोलेंगे 100% इक्वलराइज। ठीक है, तो ये सारा कुछ कंडीशन है, और इसको बहुत अच्छा से बहुत डिटेल से अगर समझना चाहते हैं तो फिर वाइंडिंग रिलेटेड जो वीडियो हमने बनाया था जो कि इलेक्ट्रिकल मशीन फोल्डर में है उसे आप जरूर देखें, वहां पर इसे मैंने काफी अच्छा से समझाया है टाइम दे करके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6 नंबर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ए एंड नंबर ऑफ पोल बी, तो ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर दिया, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ अगर लैप की बात करें तो इसमें ए इक्वल पी होता है, ए हमारा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है और पी नंबर ऑफ पोल है, तो इसे याद रखना काफी सिंपल है, और समझने के लिए हमने स्टार्टिंग में भी बताया और जो डिटेल वीडियो है उसको आप एक बार जरूर देखें। ठीक है, और याद अगर सिंपल याद रखना है तो यहाँ पर याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है, ए इक्वल टू पी, नंबर ऑफ पोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। वहीं अगर वेव की बात करें तो वेव में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 ही होता है, 2 से ज्यादा नहीं होता है वेव वाइंडिंग में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर पिच इन लैप वाइंडिंग इज, कम्यूटेटर पिच का वैल्यू क्या होगा लैप वाइंडिंग में, तो कम्यूटेटर पिच क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे, कम्यूटेटर पिच होता है ये जो दो कॉइल है, ठीक है, यहां पर अगर कम्यूटेटर से अटैच है जुड़ा हुआ है तो इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटर पिच, और एक कम्यूटेटर पिच अगर इस डायरेक्शन में रहा
नंबर इसका मेजर करते हैं हम लोग नंबर ऑफ सेगमेंट के टर्म में, जितना नंबर ऑफ सेगमेंट बीच में आएगा उतना कम्यूटेटर पिच बोलेंगे। अब यहाँ पर ए मेरा रेट्रोग्रेसिव है, तो रेट्रोग्रेसिव में यहाँ से जो डिस्टेंस मेजर करेंगे, ए मेरा फर्स्ट कॉइल है और यहाँ से जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो माइनस वन होगा, लेकिन अगर प्रोग्रेसिव की बात करें तो यहाँ पर ए प्लस वन होगा, और हमेशा ए माइनस वन और प्लस वन ही होता है लैप वाइंडिंग में। तो इसका जो आंसर होगा ए होगा बी, सेवन का बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट फ्लोइंग थ्रू द आर्मेचर कंडक्टर आईसी, ठीक है, इज रिलेटेड टू टोटल करंट आईए बाई। तो यहां पर हमारा जो है ए हम मान करके चलते हैं मेरा आर्मेचर करंट है आईए। अब यहां पर लैप बाइंडिंग है, तो लैप बाइंडिंग में जितना नंबर ऑफ पोल है उतना नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होगा, ठीक है। अगर चार पोल है तो चार पैरेलल पाथ होगा, और उसके बाद फिर एक करंट बाहर आएगा आईए। ये हमारा कंडक्टर है, ठीक है, ये आईसी है, ठीक है। तब यहां पर पूछ रहा है आईसी और आईए में क्या रिलेशन है, तो करंट यहां जाकर के चार पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और आईसी जो होगा वो हो जाएगा आईए बाई फोर, और फोर यहां क्या था नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, मतलब कि नंबर ऑफ पोल के बराबर, या फिर यहां पर पोल के नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के टर्म में दिया है, तो यहां पर नंबर ऑफ पोल और पैरेलल पाथ एक होता है, सेम होता है, तो हम लोग ए यूज कर लेते हैं। आई सी इक्वल टू हो जाएगा आई ए बाई ए। तो यहां पर देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी है, आई सी इक्वल टू आई ए बाई ए। तो एट नंबर क्वेश्चन यहां पर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई एफ फॉर ए लैप वाइंडिंग विद चार पोल 12 कम्यूटेटर सेगमेंट विद टू कॉइल साइड पर स्लॉट। तो यहां पर फिर से जेड का टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां पर 12 कम्यूटेटर सेगमेंट, ठीक है, चार पोल है। और तो इस लेक्चर को आज यहीं पर खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चन के साथ आएंगे और उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उम्मीद करते हैं जितना हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वाइंडिंग से रिलेटेड, इतना सारा क्वेश्चन देख लेने के बाद आपको किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम क्वेश्चन था लैप वाइंडिंग से उठाया गया था, सारा क्वेश्चन ही था लैप वाइंडिंग से। नेक्स्ट में हम लोग वेव वाइंडिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, और भी कुछ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमको मिलेगा उसको हम ऐड करके एक साथ लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।